वर्ड है दूरदर्शी। दूरदर्शी को हम किस तरह से बनाएंगे? देखो, ये दूर का शब्द चिन्ह होता है इस तरह से, अगर ये इस तरह से यू निकाल दें तो ये दूर का शब्द चिन्ह होता है। अब हमें इसमें लिखना है दर्शी, तो दाम में रा का आंकड़ा लगाएंगे इस तरह से, और ये सा का ये आंकड़ा है, तो ये क्या हो गया? दूरदर्शी। चाहे तो यहां पर ई की मात्रा भी लगा सकते हैं, तो भी ये क्या पढ़ा जाएगा? दूरदर्शी ही पढ़ा जाएगा। फिर आता है दूरदर्शन, सेम ऐसे ही लिखना है, दूर का शब्द चिन्ह बनाना है, और फिर क्या है? दर्शन, दाम में रा का आंकड़ा लगाना है इस तरह से, फिर सा का आंकड़ा लगाना है, और ये क्या हम निकाल देना है यहां से? ना। ये क्या हो जाएगा? दूरदर्शन। फिर आता है दूरदराज, दूर का शब्द चिन्ह बनाएंगे इस तरह से, दूर का, और क्या था? दराज, दामे रा का आंकड़ा लगाएंगे यूं, और ये बना देंगे जा, इस तरह से पढ़ा जाएगा दूरदराज। एक चीज और, ये जो वीडियो है आज काफी दिन बाद आ रही है, तो कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब से वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगी, तो जो भी आपको परेशानी हुई है उसके लिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा परेशानी थी तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं दे पाया था, लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी। दायित्व, देखो दा बनाएंगे और ये या बनाएंगे यहाँ से, और ये त्वे का आंकड़ा, इसको हम पढ़ेंगे दायित्व। इसी तरह से आता है उत्तरदायित्व, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, बस इसमें रा का एक आंकड़ा लगा देना इस तरह से, ये, और इस तरह से लिख देना, यानी कि सेम वैसे ही लिखना है, बस इसमें रा का आंकड़ा और लग जाएगा तो पढ़ा जाएगा उत्तरदायित्व। ना ही उनकी मात्रा लगानी, ना ही हमें कुछ करना, सिर्फ एक पहचान करनी है कि अगर दायित्व में हम रा का आंकड़ा लगा दें तो वो उत्तरदायित्व पढ़ा जाएगा, ये मात्रा भी हमें नहीं लगानी है। फिर आता है मातृत्व, देखो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, ये हमने माँ बनाया और इस माँ को हम कर देंगे बड़ा। क्यों किया इसको बड़ा? क्योंकि इसमें त्र, ये री की मात्रा है, तो एक तरह से क्या है, इस तरह से ही पढ़ा जाएगा, ये तर या त्र, ठीक है? तो जब तर आ जाता है तो हम उस अक्षर को बड़ा कर देते हैं, तो माँ को हमने बड़ा कर दिया, तो ये पढ़ाएगा मातर, और ये त्वे का आंकड़ा लग जाएगा यहां पर इस तरह से यूं, तो इसको हम पढ़ेंगे मातृत्व। राष्ट्रभाषा, रा बनाएंगे, सा का आंकड़ा लगाएंगे, और यहां से ये भा निकालेंगे इस तरह से, और ये सा का आंकड़ा, भा को हम कट करके लिखते हैं, इसको हम कर देंगे कट, ये पढ़ाएगा राष्ट्रभाषा। इसी तरह से आता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तो ये अंतर का शब्द चिन्ह होता है इस तरह से, अगर ना को हम बड़ा कर दें तो ये अंतर पड़ा जाता है अंतर, और फिर यहां से सा का आंकड़ा लगाकर ये फिर वही निकाल दिया भाषा, तो ये पढ़ाएगा अंतर्राष्ट्रीय भाषा, यानी कि इस भाषा से ही क्या बना? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। सिर्फ इसमें एक अंतर का शब्द चिन्ह हमें यूज में लेना है। मुख्य रूप से, देखो जब भी कभी लास्ट में ये रूप से वर्ड आ जाता है तो हम कैसे इसको यूज करते हैं, हम क्या लिखेंगे? मुख्य लिखेंगे, मां बनाया खा। अब अगर मैं यहां या का आंकड़ा लगा दूं तो वो मुख्य हो जाएगा, लेकिन अब हमें यहां या का आंकड़ा नहीं लगाना, हमें क्या करना है कि ये जो हमने खा बनाया है, इस खा में ये गोल रिंग करेंगे और इसके अंदर एक डॉट लगा देंगे, यानी कि एक बिंदु, तो ये जो रिंग करके बिंदु लगाया है ये पढ़ा जाता है रूप से, तो इस खा को हम कर देंगे कट और ये हो जाएगा मुख्य रूप से। फिर आता है जानबूझकर, देखो जा बनाएंगे और ना का लगाएंगे आंकड़ा, ये हो गया जान, बा बनाएंगे और का में रा का आंकड़ा, तो क्या हो जाएगा? ये जानबूझकर। फिर आता है एक वर्ड तथा कथित, देखो ता बनाएंगे यूं और का से इसको कर देंगे कट, तो ये क्या हो जाएगा? तथा कथित। चाहे तो ता हम इधर से भी बना सकते हैं यूं, और ये का इस तरह से हम लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये तथा कथित। फिर आता अंग्रेज, देखो ये हल्का सा आ निकालेंगे, गा में रा का आंकड़ा लगाएंगे और ये सा का आंकड़ा लगाएंगे, ठीक है? ये जो सा का आंकड़ा है ये जा का काम करता है, अगर किसी को आता है तो ठीक है, वैसे ये जो आउटलाइन है ये उन्हीं के लिए है जो मैटर लिखना शुरू कर देते हैं, या फिर उनके लिए है जो नए नए मैटर पर आए होते हैं, जो नए नए मैटर पर आए होते हैं उनको उनका भी ये पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी मैं उनको एक बार बता देता हूं कि ये जो जा है इसको अगर हम सा का आंकड़ा लगाकर लिखें तो भी जा हम पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अंग्रेज। क्या हो जाएगा? ये अंग्रेज, ठीक है? और जो स्पीड पर मैटर लिखते हैं उनको तो पता ही है कि ये जो सा का आंकड़ा है वो जा का भी काम करता है, तो इसको हम पढ़ेंगे अंग्रेज, ठीक। इसी तरह से आता है अंग्रेजी, ये आ है हल्का सा निकला हुआ है, मार्कर चल नहीं रहा है इसके ऊपर से दोबारा, ये इस तरह से कुछ, ठीक है?
फिर आता है अंग्रेजी, हल्का सा आ निकालेंगे और ये फिर इस तरह से देखो ये अंग्रेज लिख दिया बिल्कुल सेम। या तो यहां ई की मात्रा लगा दो तो भी अंग्रेजी पढ़ा जाएगा, या फिर ये जो हमने आंकड़ा लगाया इसको बाहर निकाल दो तो ये ई की मात्रा का काम कर जाएगा। यानी कि अगर हम इस ये जो आंकड़ा लगाया इसको अगर हम हल्का सा बाहर निकाल दें तो ये ई की मात्रा का काम करेगा, फिर यहां पर ई की मात्रा लगाने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये क्या पढ़ा जाएगा? अंग्रेजी। ठीक है, फिर आता है एक वर्ड व्यापार। देखो कैसे लिखेंगे, वा का आंकड़ा लगाएंगे इस तरह से और पा में रा का आंकड़ा लगाएंगे इस तरह से, क्या पढ़ा जाएगा? व्यापार। इसी तरह से अगर आ जाता है व्यापारी तो यहां पर एक ई की मात्रा और लगा देंगे, वो पढ़ा जाएगा व्यापारी। फिर आता है तंदुरुस्त। देखो ता बनाएंगे इस तरह से और ये रा बनेगा और ये इस्त का लगा देंगे आंकड़ा, तो ये क्या पढ़ाएगा? तंदुरुस्त। ठीक है, ये इस तरह से, ये मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है किंतु का बनाएंगे ना का आंकड़ा इस तरह से और ये ता बना देंगे। एक बात ध्यान रखनी है, ये जो मैं मार्कर उठा रहा हूं ना, ये जैसे कि मैंने का बनाया ना का आंकड़ा और ये मार्कर उठाकर इस तरह से ता बनाया, ऐसा आपको नहीं करना है, आपको पूरा वर्ड बनाकर ही पेन उठाना है। यहां पर क्या है, मैं इसलिए पेन उठा रहा हूं, ये मार्कर उठाकर लिख रहा हूं ताकि आपको दिख जाए कि किस तरह से बना है किंतु। ठीक है, फिर आता है अपेक्षा। देखो अपेक्षा हम कैसे लिखेंगे, ये पा का आंकड़ा लगाएंगे इस तरह से, ये जो ई की मात्रा होती है ई की मात्रा का भी काम करता है, लेकिन कब? जब ये लास्ट में लग जाए। और यहां पर ये शा का काम करेगा, जो ये वाला छा होता है ये इस शा का काम करेगा, तो ये क्या करेंगे? अपेक्षा हो गया इस तरह से। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे अपेक्षा। फिर आता है पूछना, इसमें भी हम पा का आंकड़ा लगाएंगे, ये शा का काम करेगा और ये तो छा है ही और इसको कट करके लिख देंगे और ये ना का आंकड़ा है, तो क्या हो जाएगा? ये पूछना। अब आता है वर्ड दबाव और एक है जवाब। देखो ये दबाव और जवाब में अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, शॉर्ट हैंड लिखने में तो नहीं करते हैं लेकिन हिंदी लिखने में इसकी गलती कर देते हैं कि कहां पर कौन सा वाला बा का यूज होना है। तो अब मैं इसको बता रहा हूं, ध्यान से देखना, अब इसमें कभी भी गलती आपकी नहीं होगी। लेकिन अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिनके भी ये वीडियो काम में आएगी, और वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करते रहें। ठीक है, दबाव। देखो क्या करेंगे, ये इस तरह से बनाएंगे दा बा बनाएंगे और यहां पर ये लगा देंगे बा का आंकड़ा, क्या हो जाएगा? ये दबाव। जवाब का एक शब्द चिन्ह होता है, ये इस तरह से बनाएंगे हम, ये लिखा जाएगा जवाब। लेकिन अब इसको हिंदी में कैसे लिखना है सही वो देखते हैं। देखो अगर हम किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालते हैं तब ही वो जवाब देता है। ठीक है, तो बा दोनों सिंपल हैं, ये वाला बा और ये वाला बा सिंपल नहीं है, इसमें क्या है बीच में से ये थोड़ा सा कट है। तो दबाव अगर किसी पर डालोगे यानी कि पहले दबाव डालोगे यानी कि पहले वाला बा का ये जो कट है वो लगेगा, फिर जवाब निकलेगा, तो जवाब में बाद में जवाब निकल रहा है इसलिए बा ये वाला बाद में लेंगे। यानी कि ये एक ट्रिक है, याद कर सकते हो कि अगर किसी पर दबाव डालोगे तो पहले दबाव डालोगे तो बा पर दबाव पड़ेगा यानी कि ये वाला बा आएगा, फिर जवाब निकलेगा, तो जवाब बाद में दे रहे हैं इसलिए ये बा बाद में निकलेगा। ठीक है, तो दबाव और जवाब। फिर आता है बजह। देखो बा का आंकड़ा लगाएंगे इस तरह से और जा बनाएंगे और ये हा बजह, जैसे कि बाई बनाते हैं ना इस तरह से हम इसको बना देंगे, तो ये क्या पढ़ाएगा? बजह। तो ये कुछ आउटलाइन है जो आपके डिक्टेशन में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। तो आज से आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलेंगी जैसे भी पहले मिलती थी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिस वजह से इस वीडियो को आने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करते हैं कि जो भी न्यू बच्चे हैं उनकी भी क्लास कंटिन्यू आगे चलती रहेगी, जो भी शुरू से स्टार्टिंग से वीडियो चल रही थी क्लास चल रही थी वो भी आपको मिलती रहेंगी, आउटलाइन भी मिलती रहेंगी और आपको डिक्टेशन भी मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए तैयार, इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिए, जितनी बार आप इसको लिख कर देखेंगे उतना ही आपके जो माइंड में और आपकी पेंसिल पर ये तेज़ी से चल पाएंगी। ठीक है, थैंक यू।